नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन जैसी परेशानियाँ दिखने ही लगती हैं। लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती उम्र की परेशानियों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे धीमा किया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही होममेड जेल की रेसिपी बताएंगे जो न सिर्फ एंटी एजिंग, दाग धब्बे और झुर्रियों को कम करेगी, बल्कि आपको 30 साल की उम्र के बाद जवाब भी दिखाएगी। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहले अलसी के बीज 1 चम्मच लें, गुलाब जल 2 कप, जैतून का तेल 1/4 चम्मच, वहीं एलोवेरा जेल 1 चम्मच। सबसे पहले अलसी के बीजों को साफ करें, फिर 2 कप गुलाब जल में अलसी के बीज मिलाकर इसे पकने दें। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो गैस को धीमा कर दें और जेल को धीमी आंच पर पकाएं। इसे 1.5 से 2 मिनट तक पकाने के बाद जब मिश्रण चिपचिपा हो जाए तो गैस बंद कर दें। अब एक छन्नी की मदद से इसे छान लें। इसमें जैतून तेल और एलोवेरा जेल मिक्स करें। अब इसे कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लें। रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करें, उसके बाद इसे जेल से चेहरे की कम से कम 5 से 7 मिनट बाद मसाज करें और फिर धो लें। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। नियमित इसका इस्तेमाल करने से आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बता दें कि अलसी में लिग्नान और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को कसने में मदद करता है। वह इनमें फैटी एसिड भी होता है जो त्वचा को पोषित, हाइड्रेटेड और नमी युक्त रखता है। गुलाब जल न सिर्फ स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बल्कि मुहासे, सूजन, महीन रेखाएं और झुर्रियों को कम करने में मददगार है। जैतून तेल स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करता है और उसे ड्राई नहीं होने देता। साथ ही सनबर्न, सनटैन, एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। एलोवेरा के कूलिंग एजेंट्स स्किन को ठंडक पहुंचाते हैं, साथ ही स्किन को टाइट और ब्राइट भी बनाते हैं। बुढ़ापा बड़े होने का एक हिस्सा है, लेकिन अगर ये संकेत आपको परेशान कर रहे हैं तो क्यों ना सही खान पान करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी त्वचा का भी देखभाल करना शुरू कर दें। बता दें कि एंटी एजिंग परेशानियों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी प्रक्रिया को धीमा जरूर किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।